अगर आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आपको एक शुद्ध देसी रोमांस वाला हनीमून डेस्टिनेशन चाहिए, मतलब कि आप इंडिया में ही अपने हनीमून ट्रिप को प्लान करना चाहते हैं, तो इंडिया आपको कभी निराश नहीं करेगा। इस वीडियो में मैं आपको 13 बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ आप अपने सोलमेट के साथ जा सकते हैं। इन डेस्टिनेशन में से जिस पे भी आपके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो, डिटेल्ड वीडियो आपको बना के दूंगा। और ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पे रोज शॉर्ट्स वीडियो भी आते हैं, तो इसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन। नंबर वन, अंडमान। अंडमान न्यूली वेड कपल्स के लिए काफ़ी अच्छा हनीमून डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आप अपने न्यू लाइफ को काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग, हिस्टोरिक प्लेसेस को विजिट करना, लग्जरी रिजॉर्ट्स जैसे चीज़ों को इन्जॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे 6 से 15 दिन का ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं। इसके लिए आपको 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। नंबर टू, गोवा। गोवा के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। वहाँ के हिप्पी कल्चर, वहाँ के एक्जोटिक बीचेस को तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आप गोवा के हनीमून डेस्टिनेशन को प्लान कर रहे हैं तो आपको गोवा और भी बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करता है। जैसे कि आप वहाँ हट्स में रह सकते हैं, झोपड़ियों में, जो कि समुद्र के किनारे बने होते हैं, जहाँ से समुद्र का नज़ारा गजब का होता है। साथ ही आप वहाँ के नाइट लाइफ, वहाँ के डॉल्फिन क्रूज़ को इन्जॉय कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं गोवा में जिसको आप इन्जॉय कर सकते हैं। वहाँ पे 6 से 15 दिन का जो ट्रिप प्लान होगा उसका खर्च बैठ जाएगा आपको 10 से 12 हज़ार रुपये मिनिमम। अगर आप नॉर्मली एवरेज खर्चा करते हैं तो 20 हज़ार में आपका पूरा टूर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप गोवा पे डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं, डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में गोवा ज़रूर लिख दें, मैं उस पर आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। नंबर थ्री, आगरा। अगर आप अपनी लव लाइफ की शुरुआत ताजमहल देख करते हैं तो इससे बेटर क्या हो सकता है। वहाँ पे आप मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करके 2 से 4 दिन में पूरा आगरा का ट्रिप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में आगरा लिखिए। नंबर फोर, जैसलमेर। अगर आप इंडिया में अरेबिक हनीमून जैसा कुछ फील करना चाहते हैं तो आपके लिए जैसलमेर परफेक्ट होगा। वहाँ पे आप जहाँ तक देखेंगे सिर्फ आपको डेजर्ट ही नज़र आएगा। और वहाँ पे आप सिर्फ 15 से 17 हज़ार रुपये खर्च करके आप अपना हनीमून ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वहाँ सारी फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल होती हैं। सो कौन कौन यहाँ जाना चाहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर फाइव, सिक्किम। सिक्किम एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह है जहाँ पर आप माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ और सनराइज़ को इन्जॉय कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका टोटल खर्च बैठेगा 25 से 27 हज़ार रुपये तक, जिसमें आप पूरा अपना हनीमून ट्रिप ख़त्म कर सकते हैं। नंबर सिक्स, श्रीनगर। अगर हम कपल्स के लिए बेस्ट प्लेस ढूंढ रहे हों और धरती के स्वर्ग को ही छोड़ दें तो हमारी जो खोज है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पे अब तो टेररिस्ट का भी डर नहीं रह गया है। सो आप यहाँ पे 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करके अपना ट्रिप पूरा कर सकते हैं, प्लान का पूरा कर सकते हैं आप। नंबर सेवन, उदयपुर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, रॉयल कल्चर और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर लेक्स को आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करके अपना ट्रिप ख़त्म कर सकते हैं। नंबर एट, अलेप्पी। क्या आप शांत, गांव वाला और नेचर विथ वाटर जैसी हनीमून डेस्टिनेशन को ढूंढ रहे हैं तो अलेप्पी आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शांति है और चारों तरफ पानी है। बड़े बड़े खजूर के पेड़ होते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। सो आप यहाँ मात्र 10 से 15 हज़ार खर्च करके अपना हनीमून डेस्टिनेशन को प्लान कर सकते हैं। आपका एवरेज कॉस्ट यहाँ पे 15 से 20 हज़ार तक पड़ सकता है। नंबर नाइन, कोवलम। यह टूरिस्ट डेस्टिनेशन अपने बीचेस के कारण से जाना जाता है। यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर अच्छे बीचेस हैं। साथ ही आप यहाँ लाइट हाउस को विजिट कर सकते हैं जहाँ से समुद्र का नज़ारा काफ़ी मज़ेदार होता है। यह काफ़ी छोटा शहर है लेकिन आपको काफ़ी बड़े मज़े देता है, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। अपना प्लान यहाँ पे आप सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके पूरा कर सकते हैं। अगर आपको केरला के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस पे आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। नंबर टेन, मुन्नार। अगर आप सदर्न इंडिया में
हिल स्टेशन पे हनीमून ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो मुन्नारी इज़ वेटिंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे जो टी गार्डन्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पूरा का पूरा नेचर से जुड़ा हुआ है। यहाँ छोटे छोटे पहाड़ हैं और वहाँ के चाय जो है बहुत फेमस है। सो आप मुन्नार की ट्रिप प्लान कर सकते हैं और आप मात्र 15,000 से 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे आपको, इतना में आपका काम चल जाएगा। नंबर 11, खजियार। इस प्लेस को ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता है। जो भी लोग स्विट्ज़रलैंड के सपने देखते हैं उनके लिए यह परफेक्ट प्लेस है, जो कि वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ जाने के लिए लगभग आपको 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मात्र आप 15,000 रुपए में पूरा खजियार घूम सकते हैं। नंबर 12, कसौली। यह एक छोटा हिल स्टेशन है जो कि 6,322 फीट के ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से आप हिमालय के बड़ी बड़ी चोटियों को देख सकते हैं, साथ ही सनराइज़, सनसेट, इन सब चीज़ों को भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं तो यहाँ का जो माहौल होता है वो काफ़ी शांत होता है, तो यहाँ पे आप मात्र 8,000 से 10,000 रुपये खर्च करके अपना ट्रिप जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पे आप मज़े से घूम सकते हैं। नंबर 13, रणथंभौर। अगर आपको और आपके जीवन साथी को वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है मेरी तरह, तो आप यहाँ से अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइगर, बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे, टाइगर्स यहाँ पे स्पेशल हैं। सो यहाँ आप मात्र 15,000 से 20,000 रुपए खर्च करके पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ के आसपास की वाटर फॉल्स और सब चीज़ों को घूम सकते हैं। सो कौन से हनीमून डेस्टिनेशन को आपने प्लान किया अपने हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए? अगर आप इन हनीमून डेस्टिनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के पार्ट टू का वेट कीजिए, उसमें मैं और भी अच्छे अच्छे हनीमून डेस्टिनेशन को बताने वाला हूँ। सो उसमें से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।